अच्छा बैड रिलेशनशिप भी लाइफ में देखे, बैड मैरिज भी लाइफ में देखी, एक औरत के लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना कितना जरूरी है? शदीद शदीद जरूरी है। बात यह है कि माय हस्बैंड इज फैबुलस, मुझे 20 दफा कह चुका है कि अगर तुम तंग आ गई हो या तुम कभी, मैं घर आती हूँ बहुत तंग आती हूँ, आई हेट माय जॉब। जिस दिन मैंने एपीएस का शो किया मुझे उससे नफरत थी अपनी अपनी नौकरी से। जिस दिन मैंने कसूर के वाले बच्चों पर बात की मेरा मेरा कलेजा फट गया था। देयर आर डेज यू कम होम फ्रॉम वर्क एंड यू आर लाइक आई डोंट वांट टू डू दिस, आई हेट दिस। लेकिन उस दिन मेरा मियां मुझे कह घूम के कहता है कि जानी नहीं करना तो इट्स ओके, मैं संभाल लूंगा। और वो संभाल रहा है सब। बट द पॉइंट इज इंडिपेंडेंस से जो आप एम्पावर होते हो और जो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है वो और किसी चीज से नहीं आता। जो खवातीन घर पे रह के अपने बच्चे संभालती है मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। होम मेकर से ज्यादा मुश्किल काम किसी का भी नहीं है। सो आई हैव द अटमोस्ट रिस्पेक्ट फॉर होम मेकर्स। लेकिन लेकिन अगर आप काम और बच्चे साथ लेके चलना चाहते हैं या सिर्फ काम करना चाहते हैं और आप यू डोंट इवन वॉन्ट टू हैव किड्स, यू डोंट वॉन्ट गेट मैरिड, मोर पावर टू यू। हर इंसान को हक होना चाहिए कि वो करे जो उसका जी चाहता है। आई थिंक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हर औरत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर फॉर एग्जाम्पल वो जॉब नहीं करके पैसे कमाते तो फिर उनके हस्बैंड को उनको देने चाहिए पैसे कि यू नो ये तुम्हारा मंथली का है, तुम्हारा है पॉकेट मनी। उसी हम ये बड़ी ज्यादती करते हैं ना, मर्द कहते हैं इसके अंदर सारा मैनेज करो, फिर औरत गिल्ट के मारे में उसमें 5 रुपए भी नहीं निकालती। आपको पता है मैं अपने मियां से पॉकेट मनी लेती हूँ, वेरी गुड, अपने लिए वेरी गुड। और मैं उसको कहती हूँ मेरी डेंटिंग पेंटिंग के पैसे, वेरी गुड, मैं अपनी थ्रेडिंग कराऊं, मैं अपना मैनिक्योर कराऊं, मैं अपना पेडिक्योर मैं कराऊं, मैं जो मर्जी करूं। और मैं अपने मियां से कहती हूं कि मेरे पैसे भी मेरे हैं और तुम्हारे पैसे भी मेरे हैं। हाफ हाफ वेल डन। अच्छा नहीं इतनी ओवर नहीं, लेकिन आई विल गेट देयर, आई विल गेट देयर, आई विल गेट देयर। 20 इयर्स हनी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, उमर भाई इज अ रॉक स्टार, वी लव हिम। अच्छा जिस जुगन को मैं जानती हूं और मैं तुम्हें बहुत सालों से जानती हूं और जो मॉर्निंग शो होस्ट वाली जुगन है, PG-13 जो जुगन है, आई मीन दैट इज PG-2, तो वो ये तुमने एक्वायर किया है पूरा या तुम्हारे अंदर एक वो भी है और इट्स वर्क? देखें, एक सैयदा मेहरबानो काजिम है जो मेरा असल नाम है और एक जुगन काजिम है। जुगन काजिम इज अ मैड बबली इन योर फेस पर्सन, बट एक सेंसिटिव तमीजदार एहतराम वाली लड़की जिसको घर में कुछ लोग बड़ों की छोटों की इज्जत करना सिखाई गई थी, वो भी मेरे अंदर है। अब बात ये है कि मैं ऑन एयर जाके एक सर्टेन काइंड ऑफ पर्सोना भी टेक ऑन कर सकती थी जिसमें लोग मुझे जुगन जी बुलाएं, और या मैं जुगन आपी बन सकती थी और शायद जुगन आपी बन के लोग मुझे अपने घरों में भी इन्वाइट करते और चाहते कि मैं जो बातें करूँ के कहूँ और करूँ वो उनको फॉलो करें। सो आई चोज जुगन आपी ओवर जुगन जी। Okay, great. I made a choice. अच्छा दूसरा मुझे बताओ, अभी आजकल you really feel for Kashmir issue. You spoke a lot about it. क्या कहना चाहोगी मेरे प्रोग्राम में भी, क्योंकि यहाँ पे भी लोग जब देखेंगे, what do you want to say about that? Pellet guns क्यों नहीं बैन हो रही? एक सिंपल सा सवाल है, अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी के परस्पेक्टिव से पेलेट गन्स ही बैन हो जाती हैं तो एक मेजर स्यापा तो खत्म हो जाएगा। इंडियन सुप्रीम कोर्ट की बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने ये अनाउंस कर दिया है कि अब मीडिया कर्फ्यू उठा देंगे और मीडिया जो है वो ओपनली चीजें रिपोर्ट कर सकता है। लेकिन खैर, फ्रीडम ऑफ प्रेस तो दुनिया में कहीं भी नहीं है, तो जितनी फ्रीडम हो सकती है देखी जाएगी। किसी इंसान को हक नहीं है कि वो किसी और इंसान को टॉर्चर करे, चाहे वो कश्मीरी हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो, वो जर्मन हो, वो फ्रेंच हो। सबसे पहली बात तो ये अंडरस्टैंड करनी है, मैं कश्मीर इशू नहीं, मैं इंसानियत के इशू के बारे में बहुत स्ट्रांगली फील करती हूँ। कश्मीर में अगर ज्यादती हो रही है तो पाकिस्तान में भी ज्यादतियाँ हो रही हैं। सो अगर कश्मीर के बच्चे और कश्मीर के लोग इंपॉर्टेंस रखते हैं तो पाकिस्तानी के बच्चे और यहाँ के लोग भी इंपॉर्टेंस रखते हैं, इंडियन लोग भी इंपॉर्टेंस रखते हैं। आई एम जस्ट सेइंग कैन वी बिहेव लाइक ह्यूमन बीइंग्स फर्स्ट, क्योंकि Whether we like it or not, हम सबका एक दूसरे से एक रिश्ता है और वो है इंसानियत का। उसके बाद आप different countries and cities and मज़ाहिब से belong करते हैं। अगर सारे इंसान बन जाए तो बहुत से मसाइल और बहुत सी wars and atomic nonsense जो है वो खत्म हो जाएगी। Okay. एक अपने इस पूरे जर्नी में तुमने फिल्म कर ली थी शान के साथ, वो क्या था? जुगन, बात नहीं करनी। अच्छा, रियली नहीं बात करनी, बिल्कुल नहीं करनी, वो क्या हुआ था? किसने तुम्हारे साथ? गलती इंसान से ही होती है, हो जाती, पर हाँ। किस
किसने तुम्हारा दिमाग खराब किया मेरा ओके हुआ ये बिकॉज़ जो हमने सुना था कि वेरोनिका डिसाइड्स टू डाई कि एडेप्टेशन शान बना रहा है और वो तुम मेजर वेरोनिका का रोल तुमने करना है अच्छा ये और हम उसका इंतजार कर रहे थे अच्छा, ये और उसके बाद जुगन आगे कुछ यूं करती छल्ला छल्ला अच्छा छल्ला छल्ला गाते गाते हुआ ये था कि एक्चुअली वो फिल्म शान ने नहीं बनाई थी वो फिल्म जो है वो फिल्म अल्ताफ हुसैन साहब ने डायरेक्टली तुम्हें वहां तक पहुंचाने का किसका काम था ये मेरे पास अल्ताफ हुसैन साहब आए थे और मैंने शान से भी एडवाइस ली थी एंड ही सेड इट्स अ गुड फिल्म कर लो यू नो यू विल बी ऑन द मेन लीड बाद में जब फिल्म शूट होना शुरू हुई तो मुझे कुछ समझ नहीं आई डोंट फॉरगेट दिस वाज माय फर्स्ट फिल्म एक्सपीरियंस इन पाकिस्तान आपने उसके बाद देखा है कि मैंने कोई मूवी की है नहीं वो कहते ना पंजाबी वाला त्रा निकल गया मैंने कहा यार उसके बाद मूवी मिली नहीं कि तुमने की नहीं क्योंकि उसके बाद मिलना भी मुश्किल था वैसे जो वो फिल्म थी नहीं आई हैव डन अ फिल्म एन इंग्लिश फिल्म विद मोमल प्रोडक्शंस कॉल्ड सिडेर वो पाकिस्तान और कैनेडियन वो है कोलैबोरेशन उसके बाद मूवीज की ऑफर्स आई लेकिन जिस किस्म की मूवीज की ऑफर्स आई मेरी जान निकल गई तो सिंपल सी बात है आई ऑफर्स बट उसी टाइप की मूवीज की ऑफर्स आई सो मैं बैक ऑफ कर गई फिर अब जो ये नई वेव पिछले 5-6 साल से आई है मूवीज की उसमें वंस और ट्वाइस आई वाज अप्रोच्ड बट या तो मुझे स्क्रिप्ट समझ नहीं आई या फिर बिकॉज मैं मॉर्निंग शो कर रही थी तो मैं 30-30, 40-40 दिन की स्पेल्स दे नहीं सकती थी तो जगह जो अंदर एक एक्टर बैठा हुआ है एक्टिंग के बगैर तकलीफ तो होती है जो एक्टर होता है उसको होती है तकलीफ माँ भी तो ना आपने कितनी अपनी एक्टिंग कॉम्प्रोमाइज की है 10 साल आपने भी तो 10 साल कॉम्प्रोमाइज की थी ना अपनी एक्टिंग बट बात पता है क्या है हम लोग एज एक्टर्स जब माँ भी बन जाते हैं हमारी जब फैमिलीज भी होती हैं हमारे ऊपर जब हजार और कमिटमेंट्स होती हैं आप मुझे कहते हैं ना ढूंढ क्या रही हो आई एम लुकिंग टू एक्ट द वे आई वॉन्टेड टू एक्ट लेकिन वो ख्वाब जो है वो ख्वाब ही रह गया तो शायद इस वजह से मैंने अपना सैलून भी खोल लिया मैग्निफिक मैंने फिट कल्चर अपना फिटनेस स्टूडियो खोल लिया बैम्बू गार्डन रेस्टोरेंट ये सारी चीज़ें मैंने शायद इसलिए फिर करनी शुरू की कि मैंने कहा चलो आई सेटिस्फाई माई सेल्फ विद दीज थिंग्स ऑल्सो बिकॉज आई एम पैशनेट अबाउट फूड आई लव फूड लाइक आई सेड सेलिब्रिटी स्टेटस जिंदगी में हजार चीज़ों के लिए यूज कर सकती थी किया तो रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन के लिए बुकी फार इज माई बिजनेस आर कंसर्न आई हैव पार्टनर्स यू नो मारूश इज माई पार्टनर विद मैग्निफिक फिश कल्चर में बासिम शहजाद इज माई पार्टनर एंड असद इज माई पार्टनर विद बैम्बू गार्डन सो द पॉइंट इज माई पार्टनर्स हैंडल दिस स्टफ तुम्हें हेल्प है सपोर्ट है सपोर्ट क्या करते ही सारा काम वो है मैं तो है वेली वहाँ पे आई मीन आई टर्न अप एंड आई हैव इनपुट इन इट बट इट्स मोस्टली देयर बेबी बिकॉज मेरा बेबी यूट्यूब और मेरा मॉर्निंग शो है ओके So, okay. 5 बच्चे खुद संभालने से बेहतर है कि आप डेलीगेट करना शुरू कर दें लोगों को भी आपने एम्पावर करना है मैं अपने पार्टनर्स को एम्पावर कर रही हूँ ताकि वो आगे बढ़े और वो चीजों को आगे लेके चले और हम इनकी चेन्स बनाएं अच्छा इतनी बिजी है तुम्हारी लाइफ अभी तुमने यहाँ से जाना है अभी तुम शो से आई हो तुम्हारी पूरा दिन एक स्केड्यूल होता है आई मीन जब मैं तुमसे बात भी कर रही थी यू हैड टू लुक गो थ्रू योर डायरी के डेट्स कहाँ है कहाँ नहीं सोचो मेरी इफ्फत दीदी के लिए मुझे देखना तो रिलैक्स कैसे करती हो हाउ डू यू यू नो चिल और रिलैक्स दिस इज रिलैक्सिंग आई लव दिस I love doing this. This is not torture for me. This is not work for you. मैं जबरदस्ती तो करती नहीं हूँ. I know. मुझे शायद acting जो मेरा शौक भी है वो जबरदस्ती करना पड़ता जब हमजा बहुत छोटा था okay. अब क्योंकि मैं सिंगल मदर थी और मैंने किया और मुझे मैं हर वक्त एक टॉर्चर्ड स्टेट में होती थी और आपको याद होगा उस वक्त मेरा मूड भी बहुत ऑफ होता था और मैं सड़ी भी होती थी अब अगर मैं एक्टिंग करूंगी मुझे पता है कि अगर मैं कराची जाके 2-3 हफ्ते की स्पेल के लिए जाऊंगी फैसल है टू होल्ड फॉर अ सपोर्टिव ऑसम हस्बैंड हु विल टेक आउट दैट टाइम उसने मुझे पिछले अबाउट 3 मंथ्स कोई सेट टू मी तुमने जितनी भी एक्टिंग करनी है तुम करो मैं यहाँ पे हैंडल कर लूँ तब मैंने हिम्मत करके पीटीवी से रिजाइन दिया मैंने कहा बेब आपके भी केसेस होता है कहते हैं मैं तुम्हारी अम्मी हम सारे मिलके सारे ससुराल हम संभाल लेंगे ये ना हो कि 10 साल बाद तुम घूमते ये कहो कि मैंने तो अपनी जिंदगी नहीं जी बिकॉज तुम्हारे से मेरी शादी हो गई थी और ये हो भी सकता है होता है बहुत सा होता है सो द पॉइंट इज आई हैव दैट मार्जिन अब आगे कुछ बनता है नहीं बनता एक्टिंग में देखी जाएगी आई मीन देयर्स अ कपल ऑफ थिंग्स आई एम टॉकिंग अबाउट कुछ फिल्म और कुछ टीवी से रिलेटेड बट टीवी पे तो डेफिनेटली आई एम कमिंग बैक सबसे ज्यादा वाकई मजा किस काम में आता है जहां पे एक दफा यस यू रियली एंजॉय इट आई नो कि तुम सब कुछ ही एंजॉय करती हो इसीलिए सैलून में जब किसी के आप ग्रूमिंग करते हो और वो बहुत खुशी खुशी वहां से जाते हैं दीदी आई कांट टेल यू हाउ गुड यू फील Really? Because you know, अगले बंदे के चेहरे पे मुस्कुराहट होती है तो जब वो वहां से निकलते हैं वो कहते हैं थैंक यू सो मच तो आप खुश होते हो बिल्कुल सही बात है और तुम्हारा दिमागी तो हमेशा अल्लाह ठीक रखे इसी तरह यू आर वन ऑफ
most special women I have known in my life. You are special. Thank you so much, Juggan. Look after yourself. Inshallah, bahut jald dobara mulaqat hogi. To nazreen, ye to thi Juggan. Aur Juggan ke saath tamam baatein ek mehfil mein to khatam ho nahi sakti. Isliye inko dobara bhi bulayenge. Lekin tab tak ke liye, jab tak hum agle mehman ke saath aapki khidmat mein hazir nahi hote, hame ijazat de. Khuda hafiz.